आज 21 दिसंबर 2022 और आज का दिन है बुधवार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज गंगा घाट पर, और आज 7:15 पे हम वहां बिल्कुल पहुंच जाएंगे, क्लास शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप समय पे आइएगा। और मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बीपीएससी चला, यूपीएससी की रहा, और सर्टिफिकेशन युक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल गया है। पहली बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये कि आपका निगेटिव मार्किंग शुरू हो गया है 68th PT में। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है, 1/4 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। यानी कि आपका 150 क्वेश्चन है और आपको प्रत्येक गलत पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो पहली बात ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप समझ लीजिए। मैं पहले भी बोल रहा था कि ये जो निगेटिव मार्किंग का लिमिट है, इससे ऊपर बढ़ने का एक तरीका मेरे पास है जो गंगा घाट पे है। वो क्या है कि आप 150 में 150 क्वेश्चन कीजिए और मिनिमम गलत होगा, आप समझ लीजिएगा। इस तकनीक को हम गंगा घाट पे बताते रहे हैं, आज फिर बताएंगे, आगे भी बताएंगे। तो आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, निरंतरता को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। और गंगा घाट एक सिस्टम है जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट डिफिनेट है। गंगा घाट साथ में एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है, वो टेस्ट ही गंगा घाट का टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में आप एक नंबर लाते हैं, पर्टिकुलर नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है 100% गारंटीड, क्योंकि पहले भी प्रूफ हो चुका है। अब दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं वो है मेंस परीक्षा के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आपको निबंध जुड़ गया है। नई बात क्या है, निबंध जुड़ गया है, और निबंध के लिए आपको यूपीएससी का एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को हम यूपीएससी के अपने मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे मेंटरशिप में रहे हैं, वो जानते हैं भली भांति। ऑलमोस्ट इंडिया में हाइएस्ट मार्क्स निबंध के लाने वाले मेरे स्टूडेंट रहते हैं। निबंध और एथिक्स, ये दोनों जुड़ा हुआ है, और एथिक्स और निबंध जुड़ा, एथिक्स और निबंध हम लोग का बहुत स्ट्रांग फोर्टे है। अच्छी बात है कि मैं आपको गंगा घाट पर इसको धीरे धीरे इतना अच्छा कर दूंगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा एफर्टलेसली कि आप कितना हाई स्कोरिंग निबंध लिखते जा रहे हैं। तो आइए आज हम गंगा घाट पर, अन्य दिनों की भांति वही 7 बजे के क्लास शुरू होता है, आज हो सकता है 15 मिनट लेट हो, लेकिन हाँ हम मिलेंगे 7 बजे के करीब गंगा घाट पे और हम शुरू करेंगे आज का अपना उपनिषद। नजदीक आके बैठिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, बिल्कुल आज पहुंच जाइएगा। हम मेरा दूसरा डिस्कशन पॉइंट होगा यूपीएससी का प्रारंभ मेन परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र GS Paper 1 का एक एनालिसिस करना, वो हम करेंगे। साथ ही हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे इवेंट्स हुए हैं उस इवेंट्स का एनालिसिस करेंगे। वहां से आपको प्रश्न, हम हर दिन गंगा घाट पर एक प्रश्न आउट करते हैं, तो आपको पता ही है एक प्रश्न जो आउट करते हैं वो प्रश्न आज फिर हम एक आउट करने जा रहे हैं, और वो संभवतः ये आज का टॉपिक होगा हमारा बिहार का आर्थिक जो बजट है, बजट के संदर्भ में हम कोशिश करेंगे इस पे आज बात करें।